मंदिर में जल चढ़ाते हैं, अपने मंदिर में शराब चढ़ाते हैं, उस मंदिर में अगरबत्ती जलाते हैं, अपने मंदिर में बीड़ी सिगरेट का धुइयां मारते हैं, केला पकाइएगा भीतर में, उस मंदिर में मिठाई चढ़ाते हैं, अपने मंदिर में मुर्गी का अंडा चढ़ाते हैं, आराम धुनी गाते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, घर अयला के बाद मुर्गी के अंडा दावे छोड़ खड़े खड़े चलिए। कुछ लोग कहते हैं भगवान हमारा पर कौन कृपा कर ले, की देने जे भगवान, भगवान ने कम से कम मनुष्य के शरीर तो दिलक, अब की देते हम तो भैंसी के शरीर में देते बढ़िया रहो, कत्तो घाट हो दाल भैंसी खिला दिया, लेकिन मोटका रस्ता नौकम धरी नौ थी एकोदम मुँह झाड़ दे बोलो दर्द होते होते कि नहीं होते, इतना कष्ट आपको मनुष्य का शरीर दिया, जिस शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते, लेकिन मनुष्य शरीर पाकर के मनुष्य वाला व्यवहार आप में होगा तब तो। आज द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को याद करती हैं तो भगवान दौड़ क्या जाए, अब भगवान के शरण में नहीं रहते तो कौन दौड़ कराते बिचारे। बहुत जगह हम गए हैं, कहीं पति वैष्णव हैं तो पत्नी वृंदावन बिहारी लाल है, पति भी सिर्फ वैष्णव होते हैं कंठी दिखाते हैं, कंठी ले लिये हम सुन कबीर, मतलब कबीर साहब झाड़ देते हैं कि काट के कंठी लिए लटकाइए, सबसे कहता हूं वैष्णव भाई काम है मनुष्य क्रोध है मछली, और सबसे पहले इसको त्यागो तब हो वैष्णव असली, नहीं तो वैष्णव आप है नकली, काट के मल्ला पहनने से वैष्णव है, माला के अनुसार आप जो है आपका विचार व्यवहार होना चाहिए। माँ बहन टिकली पहनती है, टिकली पहने मतलब की हम देखें बढ़िया, टिकली का कहना है कि जहनो हम चमकै छिये वहीने तोरो विचार जो नहीं चमकलो तो गेले खदैया। कबीर साहब कहते हैं कि जार दल के हे दुल्हनिया बलम की जियारा जार दल, अखिया में सिंदूर पहने, मंगिया में काजल, पिठिया में टिकुली साथ लल के हे दुल्हनिया बलम की जियारा जार दल, आंखें कहीं सिंदूर पीने जाए कबीर साहब के जहां हम पी नहीं, आंखें सिंदूर मतलब सिंदूर लाल हो, यखा माय बहन के आंख 24 घंटा लाल मारे गोसम जड़ जड़ कर, तो ही भाई खो कि हमरा छोले नहीं लगे जाए तोरो कने जी हम की लब मारे गोसम जगह आंख लाल छे बुझो आंखें सिंदूर पीने, मंगिया में काजल, डीजे पर नोचल भिड़ी गल, माथा पर साड़ी ससरी गल, माथो ससुर देखलक, भैंसुर देखलक, दियौर देखलक, महसपुर वाला देखलक, पसराहा वाला देखलक, खगड़िया वाला देखलक, जरा माथा सबने देखी ललक, माथा में कार खी लगी काजल, मंगिया में काजल, पिठिया में टिकुली साठ लेलके, टिकली जहनो चमके छे वहनो तोरो विचार चमके छे, नहीं है टिकली चमके छे खूब पहटी दलके मछली भात बुझो टिकली गेले ओकरो पिठी पर, टिकली चमके छे खूब केवाड़ी भितरै चबै छे मैयो यमनो बोड़तै तब घरोस निकलबै, टिकली गेले पिठी पर, टिकली चमकै छे खूब दांतों में सारी चिबैते चिबैते कनपट्टी लग भांग धरी, नहीं भांगले चुट्ठो तो होले
रोटी बनबै छै बड़ो लोग अयलै साड़ी नीचा कर जे हुन्ने ऊपर कर जे रोटी बना के तावा पर देलकै साड़ी चिबैने रे धोलकै एको जा जुठो तुठो मिला के ससुर भैसुर के जे खिललकै बोलो रोटी के लिए गेलै पिठी पर की उनकरो कुर्सी लपाटी बड़ा खुश नहीं नहीं ठीके कहते लेकिन आप नौस कर जाओ पूछी देवे कि खैनी खा के हाथ धोए छो जरा हाथ उठाबो तो आज तक खैनी खा के हाथ धोने विचार एक तक खैनी जब मांगे छे ठेला घिचे वाला के दीदी हम भाई छे अवन्यता पोछने छे कपान ओछने छे वही हाथ देते थर सिंह सु ये नाग लेते लुटिया 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 इसलिए धर्म को चार चरण है। पहला चरण है सत्य, दूसरा चरण है दान, तीसरा चरण है दया, चौथा चरण है पवित्रता। पवित्रता धर्म का चौथा चरण है। पचासी प्रतिशत लोग सिर्फ मंदिर को पवित्र रखते हैं, स्नान करके मंदिर को धोते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, लेकिन जिस मंदिर में आप रहते हैं क्या करते हैं? कबीर साहब कहते हैं, दुल्हनिया बल्लभ के जिया राजा नाको मकुंडल पहने कानो में नथिया गोड़वा में हसुली पहेर दिल के है दुल्हनिया बल्लभ के जियारा जार दिल नाक में कुंडल मतलब ये नाक की छे ये नाक खाली मेटे पोछे वाला नहीं छे ये नाक भोजन चेक मशीन छे जब मछली की दुर्गंध निकले जो करो खाए ले बुझो वे नाक में खुट्टा खोसलो छे नाकों में कुंडल पहन कौनों में नथिया तोरो बात नहीं मान भवन बाबा ढेरी बाबा के प्रवचन सुन ले शाही बाबा के सुन लिए संतसेवी बाबा के सुन लिए धर्मस्वरूप साहब के सुन लिए अभिलाष साहब के सुन लिए जोगानंद बाबा के वेदानंद बाबा के चतुरानंद बाबा के भागृत बाबा के हरिनंदन बाबा के रघुनंदन बाबा के सब भाई बाबा के प्रवचन सुनने छे के घरे कहला मछली बकरी।